मरी न मन मरा मर मर जाय शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। माया मरती नहीं है ऐसे समझो। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन्हें अगर आशीर्वाद दे दें जाओ तुम्हारा मकान बन जाए, मकान जैसे ही बनेगा। एक आदमी था किराए के मकान में रहता था, महात्मा के पास गया, महाराज किराए के मकान में रहते हैं जाओ मकान बन जाए। जैसे ही मकान बना दो तीन महीने बाद फिर पहुंच गया, अब क्या है गुरु जी मकान तो बहुत सुंदर मिल गया, थोड़ा एसी और लग जाती। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तथास्तु आशीर्वाद, जाओ एसी लग जाए अब घर जाओ। जहां एसी लगी सोई 16 नंबर 18 नंबर पे लेट रहा है, दो चार दिन तो 18 नंबर पे लेटा रहा, तब तक पड़ोसी की मोटरसाइकिल दिख गई। हम बाजार जाते हैं तो टैक्सी लेनी पड़ती, टेम्पू लेनी पड़ती, ऑटो से जाना पड़ता, पड़ोसी मोटरसाइकिल से जाता है। तुरंत महात्मा के पास आया, महाराज मकान हो गया एसी हो गई मोटरसाइकिल और हो जाती आनंद हो जाता। अच्छा अच्छा जाओ मोटरसाइकिल हो जाए, अब मोटरसाइकिल हो गई अब तो खुश हो जाओ। महाराज आपकी कृपा, कुछ दिन मोटरसाइकिल से खूब घूमा, ससुराल भी गया, अपनी सालियों को दिखाया, सालों को दिखाया, ससुर को दिखाया, 60,000 की आई है, 60,000 की छूना नहीं है, तार खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश आ गई, सोचने लगा मोटरसाइकिल तो बेकार है, कार चाहिए कार, महाराज कार हो जाए कार का तथास्तु, जाओ कार हो जाए। अब जहां कार लिबी सोचिए व्यापार, क्योंकि कार में डलेगा डीजल वो बिना व्यापार के नहीं चलेगा, तो व्यापार चाहिए महाराज। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया जाओ व्यापार हो जाए, पूरे भारत में व्यापार फैल गया, अब तो खुश हो, अब तो खुश हैं। लेकिन एक टेंशन है, क्या थोड़ा दिल्ली में एक मकान और बन जाता, आना जाना लगा रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है तथास्तु, जाओ दिल्ली में मकान बन जाए। महाराज कभी कभी मुंबई भी जाते हैं, एक छोटा फ्लैट होना चाहिए, ठीक है आशीर्वाद तथास्तु। अब जाओ, अब मुंबई में तुम्हारा फ्लैट भी हो गया, दिल्ली में मकान, अब तो खुश हो। गुरुजी खुश तो हैं, पर एक दिन हम अभी मीटिंग करने जा रहे थे, लाल बत्ती में फंस गए थे, हमारा दिमाग खराब हो गया, अब तो एक ठीक चौपर होना चाहिए, हेलीकॉप्टर, ताकि लाल बत्ती का कोई झंझट ही ना रहे, हमें फंसना ही नहीं। महात्मा बोले आशीर्वाद, जाओ हेलीकॉप्टर हो जाए, अब तो खुश हो। महाराज खुश तो हैं, पर अमेरिका में अगर एक मकान हो जाए। महात्मा बोले विचार करो, अगर अमेरिका में भी मकान हो गया तो फिर कुछ मांगोगे? नहीं 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 फिर नहीं मांगेंगे, फिर अगर कभी भविष्य में चांद पर प्लाटिंग होगी तो वहां जरूर मांगेंगे। ये आदमी की सोच, इसी को कहते हैं खोपड़ी। क्या कहते हैं जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए साधक कहता माया मरी न मन मरा मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। बोलो सीताराम।